गुड मॉर्निंग, टुडे इज 10th of March 2017 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल ऑफ द हिंदू। सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो ये आर्टिकल है ये वोटर टर्नआउट से रिलेटेड है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और क्या उसमें वोटर टर्नआउट रहा और किस प्रकार से सिग्नल निकलते हैं उस वोटर टर्नआउट से, तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे इलेक्शन सिस्टम की एक प्रकार से प्रोसीजरल एस्पेक्ट को दर्शाता है ये आर्टिकल। नीचे का जो आर्टिकल है, यूरोपियन यूनियन के एक कोर्ट ने डिसीजन दिया कि यूरोपियन यूनियन में जो जो कंट्रीज हैं उनको अधिकार है अपनी एसाइलम पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का, या उनको मर्जी है कि चाहे मर्जी किसी को वो एसाइलम दे सकते हैं या फिर किसी का एसाइलम यानी फिर शरणार्थ आप कह सकते हैं, जो शरणार्थी रिफ्यूजीज जाते हैं, माइग्रेंट्स जाते हैं यूरोप के अंदर में, तो यूरोप के कंट्रीज को अधिकार है वो कैसे भी अपनी जो माइग्रेंट पॉलिसीज हैं उसको बनाए। बीच का जो आर्टिकल है वो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर से रिलेटेड है, किस प्रकार पिछले 10-15 साल में या फिर 20 साल में हमारे पूरे वर्ल्ड का इंटरनेशनल ऑर्डर उभर कर आ रहा है। तो अच्छा, ये आर्टिकल है राकेश सूद जी के द्वारा लिखा गया है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स, इसमें डिस्कस की गई है, तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। और वैसे आज फ्राइडे है, फ्राइडे को आपको पता है कि एक इस तरह का आर्टिकल आता है द हिंदू में, लेफ्ट राइट और बैलेंस्ड तीनों तरह की अप्रोच डिस्कस की जाती है। लेकिन जो आज टॉपिक चुना है वो किसी काम का नहीं है। टॉपिक है ये केरला के अंदर में पॉलिटिकल किलिंग्स जो होती हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स की हत्या कर दी जाती है, तो आपस में काफ़ी समय से इस तरह की पॉलिटिकल किलिंग्स की गई हैं केरला के अंदर में, तो पार्टी काफ़ी डिस्कस की गई है, एक दूसरे पार्टीज पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति डिस्कस की गई है इसमें, तो वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे का आर्टिकल है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वोटर टर्नआउट, पहले तो इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स दिए गए हैं इस आर्टिकल में जो कि फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फैक्ट्स जैसे कि गोवा में जो वोटर टर्नआउट रहा वो 83% के आसपास रहा, पंजाब में जो वोटर टर्नआउट रहा वो 76% के आसपास रहा और मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा 87% के आसपास रहा, यूपी में 60% के आसपास रहा। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं वो डिस्कस किए गए हैं, ये बताए गए हैं, वो मैंने आपको वैसे ही बता दिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद मत रखिएगा इन्हें। तो क्या आखिरकार दर्शाता क्या है ये वोटर टर्नआउट है जो 5 राज्यों में, ये देखिए अच्छा खासा वोटर टर्नआउट, अच्छे खासे मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया इन 5 अभी संपन्न हुए 5 विधानसभा चुनावों में। एक तरह से ये दर्शाता है कि जिस प्रकार से कई लोग कहते हैं कि बार बार इलेक्शन होने से जो वोटर है उनमें थकावट महसूस की जाती है, यानी बार बार वोट होने पर वो वोट नहीं देते अपना, इस बात को नकार रहे हैं कम से कम ये जो आंकड़े अभी ये आए हैं इलेक्शन संपन्न होने के बाद में। और ये देखिए इतना अच्छा खासा मतदान हुआ कि हमारे जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं, यानी ऐसी डेमोक्रेसीज जो कई बार ऐसा बताया जाता है कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमसे भी स्ट्रोंग हैं, उनसे भी ज़्यादा मतदान देखने को मिला इन 5 विधानसभा चुनावों में। और एक प्रकार से जो इंथुजियाज्म, जो उत्साह देखने को मिला वोटर्स में, वो सभी क्लासेस और सभी एजेस में था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोगों में वोटिंग है वो ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे देश में उल्टा होता है। हमारे देश में बल्कि दिल्ली जैसे राज्यों में कम वोटिंग होती है, जहाँ पढ़े लिखे, मुंबई जैसे शहरों में जहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, बल्कि हमारे देश में गांव में, विलेजेस में जो वोटिंग है वो ज़्यादा होती है। आप हरियाणा का विलेज देखिए, पंजाब के विलेज देखिए, यहाँ पर आपको वोटिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी बल्कि। और जेंडर गैप है, जेंडर गैप कैसे, देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1950 के बाद में, तब काफ़ी जेंडर गैप था, जो मेल थे वो ज़्यादा वोटिंग करते थे, जो फीमेल थे वो कम वोटिंग करते थे। तो एक अभी आंकड़े के अनुसार 2009 में जो जेंडर गैप था वोटिंग के मामले में वो 4.42% था। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मान लीजिए 10% अगर मेल ने वोट किए, एग्जाम्पल है सिर्फ ये, 10% मेल ने वोट किए तो फीमेल ने वोट किए 5.58%, समझ गए, तो गैप इतना था 4.42% का। और वैसे 2014 में जो ये जेंडर गैप है घट के 1.46% रह गया। तो कहने का मतलब साफ साफ ये है कि जो वुमेन की यानी फीमेल की जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी बड़ी है, जागरूकता आई है वोटिंग के बारे में, तो ये एक अच्छा संकेत है। तो और क्या सिग्निफिकेंस निकलती है इस वोटर टर्नआउट से, देखिए पहली बार तो पहले अगर हमें उस पूरे आंकड़ों पर नज़र डालें तो कम से कम हमें यह लगता है कि इतना अच्छा खासा मतदान हुआ है। तो नोटा के बारे में जो लोग यह डिमांड करते हैं, आपको पता होगा जो अब हमारे ईवीएम में यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है उसमें एक सिंबल नन ऑफ द अबव का भी होता है, नोटा का होता है। अगर आप किसी को भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते तो आप नोटा को दे सकते हैं, नन ऑफ द अबव, आप मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट से संतुष्ट नहीं है तो ये कहते हैं कि देखिए कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि अब ऐसा होना चाहिए अगर पूरे सभी कैंडिडेट्स में से नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएं, मान लीजिए 50% से ऊपर या फिर सभी में से जितने भी वोट मिले सबसे ज़्यादा इनको मिल जाए नोटा को, चाहे वो 30% हो या, लेकिन सबसे ज़्यादा होने चाहिए, तो उस कंस्टिट्यूएंसी पर दोबारा से इलेक्शंस होने चाहिए,
इस तरह की मांग दोहराई जा रही है काफी सेक्शंस के द्वारा। तो यह अच्छा खासा जो वोटर टर्नआउट है वो ये दिखाता है कि ये इस प्रकार की जो डिमांड है वो इरेलेवेंट हो गई है, क्योंकि कभी होगा ही नहीं ऐसा, बहुत कम चांस है ऐसा होने के कि नन ऑफ द अबव को सबसे ज़्यादा वोट मिले। और ऊपर से हमारे देश में देखिए जो वोटिंग डे को एक स्पेशल एक प्रकार से त्यौहार की तरह लिया जाता है, बहुत उत्साह देखने को मिलता है, स्पेशल दिन ये होता है ना सिर्फ अर्बन फोक्स में कई बार रूरल एरियाज में भी। और एक जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप नज़र डालेंगे तो आंकड़ों पर आपको एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये लगेगा कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं यानी पूरे देश के पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो वोटिंग परसेंटेज है, मान लीजिए कितना एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 10% है, एग्जांपल है सिर्फ, तो स्टेट में ये 15 हो जाएगा और लोकल पोल्स में और भी बढ़ के 17% हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि लोकल पोल्स में जो वोटिंग परसेंटेज है, वोटर टर्नआउट है, वो सबसे ज़्यादा होता है, स्टेट में उससे कम होता है, पार्लियामेंट में सबसे कम होता है। आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए वोटर्स पर्सनल फील टच करते हैं कैंडिडेट के साथ में तो ज़्यादा संभावना है कि वो वोट देने जाएंगे। तो आप लोकल पोल्स मान लीजिए सरपंच के इलेक्शन हैं तो एक गांव में सरपंच को तो सभी जानते हैं, तो एक प्रकार के सभी जो वोटर्स हैं वहां पे पर्सनल फील टच करते हैं कि हाँ भाई ये बंदा खड़ा है, इसको वोट देना है, पर्सनली जानते हैं, इसको हराना है, समझ गए। स्टेट इलेक्शंस होते हैं तो वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, वो पर्सनल टच है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाती है एक स्टेट असेंबली की सीट पे। और पार्लियामेंट की सीट पे तो ऑलमोस्ट 10-10 लाख जनसंख्या होती है एक पार्लियामेंट सीट पे, तो पर्सनल जो टच है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो इसलिए वोटिंग का परसेंटेज भी कम हो जाता है। और जहां जहां देखिए टफ इलेक्शंस होते हैं वहां वोटिंग का परसेंटेज हाई रहता है। अब टफ आप सोच के देखिए, मान लीजिए एक तो अब कोई टफ सीट हो, इलेक्शंस हो रहे हैं जहाँ पे एक एक वोट की कीमत बहुत ज़्यादा है, इलेक्शन का नतीजा ऐसे आएगा हार जीत जो होएगी वो 1000 वोट से होएगी, 100 वोट से होएगी, 10 वोट से होएगी, 50 वोट से होएगी, यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज हमेशा ज़्यादा रहेगा क्योंकि जो लोग इलेक्शंस लड़ रहे होते हैं वो भी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, ज़्यादा एक प्रकार से जो मान मनोबल करते हैं, इवन जो लोग बाहर जॉब कर रहे होते हैं उनको भी बुलाया जाता है कि एक एक वोट की कीमत है, आप आइए और वोट दीजिए। और जबकि पता ही होता है कि हाँ भाई ये जीतेगा ये हारेगा, वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम होती है क्योंकि लोग सोचते हैं कि पता तो है ये कि वो जीतेगा तो क्या क्या फ़ायदा वोट देने का, इसलिए कई लोग तो वोट देने जाते ही नहीं है, समझ गए। जहाँ जितना ज़्यादा कंपटीशन उतनी ज़्यादा वोटिंग की परसेंटेज हाई रहेगी। और पहले तो ऐसा कहा जाता था कि अगर हायर टर्नआउट हुआ है तो इसका मतलब जो रूलिंग पार्टी के खिलाफ में हुआ है, मान लीजिए अभी पंजाब में अकाली दल है सत्ता में काबिज हैं, तो अगर पंजाब में हायर टर्नआउट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि लोग नाराज हैं पंजाब की गवर्नमेंट से, पहले तो ऐसा कहा जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब जो अब आमतौर पर रूलिंग पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। एक बार कहते हैं ना वो एक जो वर्ड है सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, आजकल कहते हैं कि हायर परसेंटेज का सत्ता विरोधी लहर से कुछ लेना देना नहीं है। तो वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में ये आता है कि देखिए ये अच्छा एक शुभ संकेत है कि जो जेंडर गैप है वो घटता जा रहा है। और एक प्रकार से अगर हम देखें कि 1951-1952 में जो फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे तो उससे काफ़ी दूर हम आ गए हैं। तो क्या खास बात थी 1951-1952 के इलेक्शंस में? देखिए यहाँ पे ना जेंडर गैप काफ़ी कम था, मैंने आपको जैसे बताया कि 51-52 में जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ था और तब जो काफ़ी कम वुमन ने वोट दिया था, अब तो जेंडर गैप जो है घट के सिर्फ 1.46% रह गया है। इवन तब तो जो इलेक्टोरल रोल्स थे उनमें नाम भी नहीं अंकित था वुमन का, सही बता रहा हूँ मैं। पहली बार जब हमारे देश में इलेक्शंस हुए थे ना तो किस प्रकार से वुमन के नाम थे पता है आपको इलेक्शन स्लिप पे? इस प्रकार से नाम लिखे हुए थे उनके, जैसे वाइफ ऑफ शालू राम, वाइफ ऑफ मोहन राम, इस प्रकार से नाम भी नहीं थे वुमन के इलेक्शन के जो वहाँ पे पर्चे थे, स्लिप्स थी। तो कुल मिला के अब काफ़ी एक प्रकार से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो भी काफ़ी मेच्योर होने लगी है और हम काफ़ी दूर तक आ गए हैं जब से हमने इस प्रकार की जो इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी की शुरुआत की थी। तो ये था आर्टिकल, इसे कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकता है वोटर टर्नआउट के बारे में, ऐसे में भी यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर। अब जो अगला आर्टिकल है वो यूरोपियन माइग्रेंट क्राइसिस से लेके हैं। देखिए 2015-16 में यह मुद्दा सबसे ज़्यादा सुर्खियों में था। आपको याद होगा जो ये मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं जैसे कि खास करके सीरिया मान लीजिए, अफगानिस्तान मान लीजिए, या फिर जो अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे माली वगैरह है, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आती है यानी सिविल वार चलता है यहाँ पे, तो वहाँ से लोग भाग के कोशिश करते हैं कि वो यूरोप में शरण ले लें। ये देखिए सीरिया से ये सारे रूट्स हैं, अफ्रीका से और मिडिल ईस्ट से लोग यूरोप की तरफ भागते हैं इस उम्मीद में कि अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे वो यूरोप के अंदर में। तो एक रूट ये हो गया, ग्रीस से होके जाते हैं, ये इटली का आइलैंड है, इटली से होके जाते हैं,
और ये स्पेन से होके भी जाते हैं, स्पेन है जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो यहाँ पे देखिए तीन रूट से जाते हैं, आगे जाके वो पूरा लंबा रूट तय करके जहाँ पे उनको जगह मिले, कुछ जर्मनी में जाते हैं, कुछ बेल्जियम में जाते हैं, कुछ हंगरी में, जहाँ जहाँ उनको जगह मिले, जिस गवर्नमेंट की पॉलिसीज अनुकूल हो माइग्रेंट्स को एडोप्ट कर सके, वहाँ वहाँ वो जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के खिलाफ में अब काफ़ी संख्या में यूरोप में माइग्रेंट्स आए, तो उसके विरोध में वहाँ पर यूरोप की एक सेक्शन जो राइट विंग सेक्शन है और जो यूरोप का पॉपुलिज्म का जो सेक्शन है, उन्होंने इस बात को लेकर विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि आप लोग, उन्होंने अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ में विरोध करना स्टार्ट कर दिया। जो जो सरकारें यूरोप की माइग्रेंट्स को अडॉप्ट कर रही थी, उनको आने के लिए कह रही थी कोई बात नहीं आप आ जाइए अगर आपके देश में दिक्कत है, तो एक प्रकार से विरोध प्रदर्शन हुआ इस बात को लेकर कि क्यों आप माइग्रेंट्स को आने दे रहे हैं हमारे देश के अंदर में, क्यों? क्योंकि माइग्रेंट्स अगर यूरोप के अंदर में आएंगे तो वो एक प्रकार से टेररिस्ट स्ट्राइक्स होंगे, सिक्योरिटी को खतरा होगा, वो जॉब्स लेंगे, हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा, तो आखिरकार आप आने ही क्यों दे रहे हैं? तो इस प्रकार से तो दो चीज़ों में टकराव हुआ। एक तरफ तो थी यूरोप की जो वैल्यूज़ थी, सो कॉल्ड यूरोप की लिबरल वैल्यूज़, जो ये कहती थी कि जो वर्ल्ड है वो एक प्रकार से ह्यूमनिज्म पे बेस्ड है, मानवता पे बेस्ड है। तो इस प्रकार से जैसे जो जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मर्कल, उन्होंने भी एक प्रकार से इसी तरह का स्टांस लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जर्मनी आने देगा कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जो देश है वो वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करता है, मानवता को रिस्पेक्ट करता है। दूसरी तरफ एंजेला मर्कल जैसे लीडर्स का भी विरोध हुआ राइट विंग सेक्शन के द्वारा। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा जो देश है वो सबसे सर्वोपरि है, क्यों हम आखिरकार जरूरत ही क्या है दूसरे देश के लोगों को हमारे देश में आने के लिए? वही सेम फैक्टर, वो जॉब्स को एक प्रकार से लेंगे, सिक्योरिटी खतरा पैदा करेंगे। कहीं ना कहीं वह बात बाद में आगे चल के सही भी साबित हुई। कैसे? क्योंकि देखिए, फ्रांस के नाइस में अटैक हुआ, जर्मनी के बर्लिन में भी अटैक हुआ, तो इन सब पे जिन्होंने अटैक किया, एक प्रकार से यह आरोप लगा कि माइग्रेंट्स थे, उनमें से किसी लोग ने वहां पे इस तरह का अटैक किया। और काफी एक प्रकार से मुश्किल यात्रा करके आते हैं जो माइग्रेंट्स हैं, वो मिडिल ईस्ट से या फिर जो दूसरे देशों से चल के आते हैं यूरोप के अंदर में, ये जो बोट्स पे चल के आते हैं, तो कई बार तो बोट्स डूब जाती हैं, और काफ़ी सुर्खियों में रहा था ये जो इशू था 2015-16 के साल में। यहाँ पे देखिए, और कई जो देश हैं यूरोप के कंट्रीज, हंगरी जैसे, उन्होंने एक प्रकार से फेंसिंग लगाई हुई है माइग्रेंट्स को रोकने के लिए, तो फेंसिंग को पार करके भी वो आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है एकमात्र यही अल्टरनेटिव उनके पास में है, क्योंकि वो अपने देश में वापस जाएंगे तो एक प्रकार से फिर से उनको वहीं वहाँ पे उनका प्रोसिक्यूशन होगा। सीरिया में जिस प्रकार से इंस्टेबिलिटी है, उनको पता है कि वहाँ तो मरना ही मरना है, यहाँ कम से कम एक उम्मीद तो है, नहीं आने देंगे कोई बात नहीं, कोशिश तो करेंगे, उनको ऐसा लगता है माइग्रेंट्स को। अब क्या हुआ है, अब जो वहाँ की यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन की एक कोर्ट ने इस प्रकार का डिसीजन दिया है कि जो यूरोपियन यूनियन के अंदर में जो कंट्रीज़ हैं, अभी यूके तो नहीं है, यूके तो छोड़ गया है, हालांकि मतलब उनकी प्रोसेस अभी जारी है, नेगोशिएशंस जारी हैं, तो जो जो कंट्रीज़ हैं उनकी अपनी मर्जी है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करें कि क्या वो माइग्रेंट्स को लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना देना चाहते। इस बात पर यूरोपियन यूनियन कुछ नहीं बोलेगा, यूरोपियन यूनियन की एक असाइलम पॉलिसी नहीं होगी, इस प्रकार का डिसीजन दिया है अब यूरोपियन यूनियन की एक कोर्ट ने। तो यहां पे देखिए, तो एक प्रकार से ये एक खुश होंगे वो राइट विंग के जो लोग हैं जो मना कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहां पे देखिए, इस तरह का प्रोटेस्ट चलता रहता है यूरोप के अंदर में, जो कहते हैं कि माइग्रेंट्स को कहते हैं आप अपने अपने घर जाइए, हमारे देश के अंदर में मत आइए। तो इस प्रकार के जो हार्डलाइनर हैं, राइट विंग के लोग हैं, वो काफ़ी खुश होंगे यूरोपियन यूनियन के इस डिसीजन से, उनके कोर्ट के एक डिसीजन से। अब उनके ऊपर में कोई ऐसी ऑब्लिगेशंस नहीं है, क्योंकि वैसे देखिए जो ये हवाला देते थे, जो लोग ये कहते थे कि माइग्रेंट्स को आने देना चाहिए, वो इस बात का हवाला देते थे कि यूरोपियन चार्टर ऑन ह्यूमन राइट्स में साफ साफ लिखा है कि उन लोगों के खिलाफ में जिन पर टॉर्चर हुआ है अपने देश के अंदर में, उन लोगों को अलाउ करेगा यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन के प्रोसिक्यूटर हैं, वही एक बात से पलट गए, वो कहेंगे कि नहीं, अपने अपने देश की ओपिनियन होनी चाहिए और यूरोपियन यूनियन को एक प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए इस बात पे, देशों को अलाउ करना चाहिए कि वो डिसाइड कर सकें। और कॉमन जुडिशियल आर्बिटर, यानी कहने का मतलब ये है कि जो कॉमन जुडिशियल आर्बिटर जो ये कोर्ट थी, उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो मेंबर कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन के, जो 27-28 जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनके लिए अगर वो एक दूसरे अपने मेंबर कंट्रीज़ को आने से रोकना चाहते हैं तो हम उन पे तो आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आप थर्ड पार्टी यानी जो दूसरे बाहर के देशों से जो लोग आ रहे हैं उन पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। समझ गए? मतलब अगर मेंबर कंट्रीज़ में कोई एक दूसरे के मेंबर कंट्रीज़ के लोगों को आने से रोक रहा है, वो तो अलग बात है, उस पर तो ये बोलेंगे। अब इम्पैक्ट क्या है इस जजमेंट का? इम्पैक्ट यह है कि देखिए, कॉमन यूरोपियन असाइलम सिस्टम पहले था कि जिसमें यूँ कहा जाता था
कि जो भी एसाइलम के लिए आएगा यानी शरणार्थ के लिए आएगा उसको एक प्रकार से ह्यूमनली ट्रीट करेंगे जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ हैं। अब उस सिस्टम से दूर चले गए, यह जजमेंट कम से कम यह दिखाता है। अब इस पे जो माइग्रेंट्स है, इस जजमेंट का उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उस पे तो ये सोचा भी नहीं गया है। अब ये कहते हैं कि देखिए वो इतना मुश्किल जर्नी तय करके आते हैं, काफ़ी मुश्किल रास्तों से वो आते हैं, तो उनके पास में तो कोई रियलिस्टिक अल्टरनेटिव है ही नहीं, वो तो फिर भी आएंगे क्योंकि उनके घर में तो पहले से ही बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, वहाँ तो मरना ही मरना है जैसा हमने अभी डिस्कस किया। और एक प्रकार से जो यूरोस्केप्टिक पार्टीज़ हैं, यूरोस्केप्टिक पार्टीज़ कौन सी पार्टीज़ होती हैं, यूरोस्केप्टिक पार्टीज़ वो पार्टीज़ होती हैं जो एक प्रकार से यूरोपियन यूनियन पे शक करती हैं, उनको बार बार क्रिटिसाइज़ करती हैं, तो एक प्रकार से वो भी काफ़ी खुश होंगे, उनकी जो डिमांड है उनको भी बल मिला है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो इस तरह के डिसीजन नहीं ले सकता जो कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजंस हैं। अब उन्होंने साफ साफ ही कह दिया कि आप अपने आप डिसीजन लीजिए, हर देश अपने आप इस बारे में डिसीजन लीजिए। तो वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए वैसे तो ये केस था एक सीरियन फैमिली का जो बेल्जियम में एसाइलम की रिक्वेस्ट को लेकर आया था, लोकल हाई कोर्ट ने वो एक्सेप्ट कर ली थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी, एक प्रकार से जो राइट विंग है वहाँ पे हार्ड हो गए थे इस पे। ये तो सिर्फ एग्जांपल है, इसको छोड़िए। अब कहने का मतलब वे फॉरवर्ड में ये कहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम के जो लिबरल पॉलिटिकल फोर्सेज हैं जो मानवता की बात करते हैं वो उनको एक प्रकार से धक्का पहुंचा है, उनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं किस प्रकार से वो अपने पक्ष का नैरेटिव बना के तैयार करके रखें और ऐसे सोसाइटी का निर्माण करें जो कि काफ़ी ओपन हो और ह्यूमैन हो, यानी काइंड हो, जो दयालु हो। इस प्रकार की सोसाइटी का निर्माण रखने में या फिर मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है जो मेन स्ट्रीम के लिबरल पॉलिटिकल फोर्सेज हैं। और अब देखिए जो यूरोपियन वैल्यूज़ की जो बात करते हैं ये देश, जब ट्रंप चुन के आए अमेरिका में तो ये देश थे एक प्रकार से यूरोपियन वैल्यूज़ की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, हम जो माइग्रेंट्स के खिलाफ में बैन है वो नहीं लगाएंगे, वो उन्हीं वैल्यूज़ पे अभी काम करना चाहिए इन यूरोपियन कंट्रीज़ को। पहले तो आप चीख चीख के कह रहे थे कि हाँ भाई ट्रंप तो इस प्रकार की पॉलिसीज़ अपना रहे हैं, हम नहीं अपनाएंगे। अब आप पीठ नहीं घुमा सकते जिस प्रकार से, अब एक कहने का मतलब ये है कि देखिए 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद में यूरोपियन यूनियन आई थी जो एक प्रकार से लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर आया था, अगले आर्टिकल में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। कहने का मतलब था यूएन आई थी और यूरोपियन यूनियन और यूरोप के देश हैं, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि हम आने वाले टाइम में हम दूसरे देशों की तरफ भी देखेंगे। एक प्रकार से वो कहते हैं कि हम उन्हें सहायता देंगे और वर्ल्ड को डेवलप करने में एक प्रकार से योगदान निभाएंगे। अब इस तरह की चीज़ से कहने का मतलब ये कि ये पीठ नहीं घुमा सकते, उन्हें देखना होगा, सिर्फ यूरोप के अंदर अंदर नहीं देख सकते वो, उन्हें वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी देखना होगा कि किस प्रकार से दूसरे हिस्सों में जो है वो इंस्टेबिलिटी है, जो वार चल रहा है, जो सिविल वार चल रहा है, कहीं ना कहीं उस सिविल वार को स्टार्ट करने में, उस इंस्टेबिलिटी को लाने में आपका भी आपका जो एक योगदान रहा है। लीबिया का केस ले लीजिए, सीरिया का केस ले लीजिए, इन सभी देशों में कहीं ना कहीं इन देशों ने एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है, इसी वजह से वहां पर इंस्टेबिलिटी है। और अब वे फॉरवर्ड ये मानता है कि आने वाले साल में यानी यूएन में लास्ट ईयर जो कमिटमेंट दी गई थी कि माइग्रेंट्स और रिफ्यूजीज़ के लिए एक लीगल पाथवे तैयार किया जाएगा ताकि उनको शरणार्थ दी जा सके यूरोप के कंट्रीज़ के अंदर में, उस पर अमल करना होगा इन यूरोप के कंट्रीज़ को। तो यही पूरा आर्टिकल है। अब अगला जो आर्टिकल है वो लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर से है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये लिबरल रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होता क्या है। देखिए ये लिबरल रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होता है, जैसे कि यूएन है। इंटरनेशनल ऑर्डर क्या है, यूएन जो भी चीज़ हो वो एक प्रकार से इंस्टीट्यूशन से डिसाइड हो, कोई भी लड़ाई हो वो इंस्टीट्यूशनल्स यानी यूएन जैसी चीज़ों से डिसाइड हो, ना कि वार से। लिबरल रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के अलावा जो दूसरा पक्ष है वो है रियलिज्म का। रियलिज्म यह कहता है कि देखिए जो ये यूएन वगैरह कुछ नहीं होते, जो होगी जो भी फैसला हमें करना है दूसरे देशों के बीच में, जो भी लड़ाई है वो सुलझाई जा सकती है वार के थ्रू, समझ गए। एक तरफ तो है लिबरल रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जो डेमोक्रेसीज की बात करता है, जो यूएन की बात करता है, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है, जो कोई प्रॉपर प्रोसीजर्स की बात करता है। ये लिबरल रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर हमारे वर्ल्ड में मौजूद है वर्ल्ड वार सेकंड के बाद से। IMF आया, वर्ल्ड बैंक आया, यूएन आई, तो अभी तक 70 साल हो गए, अभी तक यही ऑर्डर चल रहा है हमारे पूरे वर्ल्ड में। लेकिन अब ये कहते हैं कि जो है एक प्रकार से आवाज़ें उठ के आ रही हैं कि जो लिबरल रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है वो डाइल्यूट हो रहा है, वो डिग्रेड हो रहा है, वो जाने वाला है, एक नया ऑर्डर उभर के आ रहा है। तो उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल चर्चा करता है। ये कहते हैं कि देखिए जो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में जो ऑर्डर उभर के आया,
वेस्ट की गाइडेंस में, खासकर वेस्ट के अंदर में यूएस की लीडरशिप में वही जो ऑर्डर है वो मौजूद था पिछले 70 सालों में। लेकिन अभी जो ये क्रैक्स दिख रहे हैं, ये क्रैक्स अभी दिख रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी पिछले काफ़ी सालों से ये निकल के सामने आ रहे थे इस लिबरल रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर से। लेकिन ट्रंप के चुने जाने के बाद में ये जो क्रैक्स है वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, कि साफ साफ पता लग रहा है कि जो ये ऑर्डर है पुराना 70 साल से पूरे वर्ल्ड के अंदर में मौजूद है, वो ऑर्डर अब जाने वाला है। वो ऑर्डर कैसा ऑर्डर था? वो ऑर्डर ऐसा ऑर्डर था, आपको पता ही होगा, यूएन से मामले सुलझाए जाएंगे, यूएस और इस प्रकार से कैसा पैराडाइम था कि डेमोक्रेसीज हैं वो अच्छी हैं, इस प्रकार की जो चीजें थी, जो वैल्यूज क्रिएट हुई थी वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद से। अब ये कहते हैं कि देखिए, जो चेंज की जो छाया थी वो पिछले 10 साल से पहले ही दिखनी स्टार्ट हो गई थी। फिर एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिखते हैं, ये एग्जाम्पल हम अपने ऐसे के अंदर में यूज कर सकते हैं। ये कहते हैं कि देखिए, जो समय का पहिया है वो कभी रुकता नहीं है, समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। लेकिन जब ये समय का पहिया जब स्लो होता है, तब हम आसानी से देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस यानी कितनी दूरी हमने तय कर ली है, कहाँ हम जा रहे हैं और किस किस डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। लेकिन अब क्या है, अब समय का पहिया एकदम से काफ़ी तेज़ी से घूमने लगा है। अब फिलहाल ऐसी सिचुएशन है और एक प्रकार से अनिश्चितताओं का दौर चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। जिस प्रकार से ट्रंप स्टेटमेंट्स देते हैं, तो पता नहीं लग रहा कि कब क्या कैसे उभर के आएगा आने वाले 3-4 सालों में या फिर 10 साल में, किस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होंगी। तो अब समय का पहिया काफ़ी तेज़ी से घूम रहा है। तो अब आता है कि मिथ क्या है लिबरल ऑर्डर का। देखिए, एक लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर के बारे में काफ़ी सारे मिथ्स क्रिएट हो गए हैं, किए गए थे जानबूझ के। और ऐसा कहना कि देखिए अभी वोलेटिलिटी है काफ़ी ज़्यादा है, वो बात बिल्कुल सच है। लेकिन ये वोलेटिलिटी जो है, इंस्टेबिलिटी जो है, पिछले काफ़ी समय से पहले से ही आनी स्टार्ट हो गई थी। अब बात ये है कि जो ये इंस्टेबिलिटी है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी आ रही है, यानी टाइड्स ऑफ चेंज है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड के किनारों को अभी छू रही हैं। इसीलिए लोग बार बार बात करने लगे हैं कि लिबरल जो ऑर्डर है वो जा रहा है। लेकिन लिबरल ऑर्डर तो पहले काफ़ी लंबे समय से जा रहा है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर ये बताते हैं। आप वेस्ट एशिया का एग्जाम्पल लीजिए। वेस्ट एशिया में जो ये ऑर्डर था वो तो नई शताब्दी यानी 2000 स्टार्ट हुआ था हमारा। 2001 से ही, मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ पे तो लिबरल ऑर्डर है जाना स्टार्ट हो गया था। जैसे ही यूएस में जो टेरर स्ट्राइक्स हुए थे, 9/11 हुआ था, उसके बाद से यूएस ने एक बार हमला किया इराक के अंदर में, अफगानिस्तान के अंदर में 2001 में किया था। तो तभी से एक प्रकार से नई परिस्थितियां पैदा होना स्टार्ट हो गई थी। वो एक प्रकार से शुरुआत थी और यूएस के एक प्रकार से जो पावर कम हुई है उसकी एक शुरुआत थी। तो वहां से तो लिबरल ऑर्डर पहले से ही जाना स्टार्ट हो गया था। अब दूसरा ही एग्जाम्पल देते हैं सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप का। ये कहते हैं वहां से तो लिबरल ऑर्डर जाना स्टार्ट हो गया था 1990 के बाद से ही नई परिस्थितियां वहां पे पैदा होना स्टार्ट हो गई थी। जिस प्रकार से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, 15-16 टुकड़ों में बट गया यूएसएसआर जो था वहां पे, तो नया ऑर्डर जो है वहां पे 25 साल पहले ही आना स्टार्ट हो गया था। इसीलिए एग्जांपल के तौर पे कहते हैं कि यूरोप के कंट्रीज में अभी आ रहा है, लेकिन पहले के कंट्रीज में तो पहले आ चुका है बाकी कंट्रीज में। फिर ये चाइना का भी एग्जाम्पल देते हैं। चाइना का जो राइज है पिछले 4 दशकों में सबसे ज्यादा हुआ है, और सबसे ज्यादा तो हुआ ग्लोबलाइजेशन के बाद में। यानी वैसे तो 40 साल से हो ही रहा चाइना का राइज, लेकिन 1990 के बाद में जो ग्लोबलाइजेशन में जैसे चाइना के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी बाकी कंट्रीज में, तो चाइना का राइज है वो काफी बढ़ गया है। और इवन चाइना को ऊपर लाने में यूएसए का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि देखिए, पहले जो यूएस की लड़ाई थी ना, पहले यूएस की जो लड़ाई थी पहले यूएसएसआर के साथ में थी। क्योंकि यूएस को ऐसा लगता था कि यूएसएसआर है उनका मेन दुश्मन है, और चाइना तो कहीं ना कहीं ग्रो करेगा तो उनका फायदा ही है। यूएस को ऐसा लगता था कि चाइना आगे जाके डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएगा और लिबरल ऑर्डर का एक पार्ट बन जाएगा, वहाँ पे भी डेमोक्रेसी आ जाएगी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की वो बात करने लगेंगे। तो उनको यूएस को लगता था कि चाइना आगे जाके हमारे जैसा बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाइना आज भी कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना आज भी यूएस का विरोधी है। यूएस को लगता था आगे जाके वो हमारा दोस्त बन जाएगा। तो बाद में ये जो उनका मिथ था वो इवापोरेट हो गया। फिर ओबामा को रियलाइज हुआ कि देखिए, चाइना तो हमसे भी ऊपर चला जाएगा अगर इस प्रकार से राइज करता रहा। तो ओबामा ने फिर एक पॉलिसी लाई, यूएस पिवट टू एशिया, जिसमें उन्होंने कोशिश करी कि चाइना को कंटेन किया जा सके। दूसरी ये बात करते हैं कि देखिए, चाइना का राइज हुआ तो उसके साथ साथ और कई जैसे इमर्जिंग कंट्रीज का भी राइज हुआ। और जैसे कई इमर्जिंग कंट्रीज, काफ़ी सारे जैसे ये मैक्सिको, टर्की, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रशिया, इनका भी राइज हुआ। और एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 2040 तक जो इकोनॉमी का साइज है वो E7, यानी E7 कौन से हैं, इमर्जिंग सेवन ये हैं, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रशिया, मैक्सिको, टर्की। E7 की इकोनॉमी का जो साइज है 2040 के आते G7 की इकोनॉमी के साइज से भी डबल हो जाएगा। G7 में अभी अमीर ये देश हैं,
US, जापान, इटली, जर्मनी, यूके, ये वाले जो अमीर देश हैं। तो कहने का मतलब है जो इमर्जिंग सेवन है इनका साइज डबल हो जाएगा G7 से, और जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा, अभी हो ही गया है, जो अटलांटिक से पैसिफिक की तरफ शिफ्ट हो गया है। अटलांटिक में जैसे यहाँ पे मान लीजिए US, कनाडा था, यहाँ पे यूरोप के कंट्रीज थे, अमीर अमीर जो UK, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ वाले जो आते थे पहले, सारे कुछ जो पूरे वर्ल्ड की जो पॉलिसीज डिसाइड होती थी, मेन जो सेंटर था, फोकस था, यहीं रहता था। आजकल आपको देख पता होगा कि जो फोकस शिफ्ट हो गया वो पैसिफिक में हो गया, यहाँ पे साउथ चाइना डिस्प्यूट चलता है और ये देश ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, साउथ कोरिया, जापान, यहाँ पे आगे जाके इंडिया भी आता है, इंडोनेशिया, तो यहाँ पे फोकस है वो ज़्यादा है। और जो पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड है, अब यूँ कहते थे कि देखिए वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हुआ तो अब एक प्रकार से कॉलोनिज्म का एंड हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी आएगी, सभी सभी देशों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, सोवरनिटी की रिस्पेक्ट की जाएगी। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। कोल्ड वार से पता लग गया, कोल्ड वार में बिल्कुल भी नहीं हुआ था ऐसा। और यूएन ने तो कुछ किया ही नहीं, जिस सो कॉल्ड लिबरल ऑर्डर की बात करते हैं कि जो भी डिस्प्यूट्स थे वो यूएन से सुलझाए जाएंगे, आप सोच के देखिए यूएन ने कभी इतना कोई सीरिया में या फिर कहीं भी इराक में, अफगानिस्तान में कभी रोल निभाया है कभी महत्वपूर्ण? नहीं। सिर्फ हिस्ट्री में जाएं तो एक दो बार ऐसी सिचुएशन आई थी, 1990 में कुवैत वार जब हुआ था जहां पे यूएन ने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था, और कोल्ड वार जब खत्म हुआ तो ऐसा लगा कि यूएन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुवैत वार में वो एक रोल निभाया था यूएन ने थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में वो रोल भी निभाना बंद कर दिया, क्योंकि एकमात्र USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद में, 1990 के बाद में, यूएसए था वो एक सोल सुपर पावर, यानी एकमात्र सुपर पावर के रूप में उभर कर आया। और जैसे ही उन्होंने इराक पे अटैक किया बाद में 2003 में, तो उनकी जो सुपर पावर की जो अथॉरिटी थी वो भी डिग्रेड होना स्टार्ट हो गई, डाइल्यूट होना स्टार्ट हो गई। तो इस प्रकार से पूरा वर्ल्ड ऑर्डर हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम फ्रेम में। उसके बाद में ये कहते हैं कि देखिए जो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर है वो ग्लोबल कभी था ही नहीं, वो सिर्फ था वेस्ट कंट्रीज के अंदर अंदर में, और उन्हीं वेस्ट कंट्रीज के अंदर में जिस सो कॉल्ड लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जिसमें मानवता का वो सम्मान करेंगे, आज उसी लिबरल पॉलिटिकल वर्ल्ड, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल वर्ल्ड है, वहाँ पे पॉपुलिज्म का उभार हो रहा है, नेशनलिज्म बढ़ रहा है वहाँ पे, और एक प्रकार से आप, अभी हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया कि माइग्रेंट्स के खिलाफ में प्रोटेस्ट होते हैं, तो एक प्रकार से वो ऑर्डर है वो वेस्ट से बहुत जल्दी से जा रहा है, स्टेटस को रिजेक्ट कर दिया है अभी यूरोप के कंट्रीज ने, और इसके काफ़ी सारे कारण है। एक कारण तो मान लीजिए 2008 के क्राइसिस हैं, 2008 के बाद में जो क्राइसिस आए वहाँ पे ग्लोबल रिसेशन आया यूरोप के अंदर में, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे लिबरल पॉलिटिकल जो वर्ल्ड ऑर्डर है, यानी वेस्ट का जो ऑर्डर है उसको रिजेक्ट कर दिया है, वहाँ के लोगों ने स्टेटस को रिजेक्ट कर दिया है। और इवन जो इसमें ये बात भी आती है, ग्लोबलाइजेशन भी आती है, यानी कल्चरल कल्चरल को भी रिजेक्ट कर दिया है। ग्लोबलाइजेशन क्या था? ग्लोबलाइजेशन में हमने देखने को मिला हमें काफ़ी सारी चीज़ें, कल्चरल होमोजिनाइजेशन, यानी जो मान लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज़ का कल्चर हमारे जैसे देशों में आया, आप सोच के देखिए जींस पहनते हैं आज हमारे देश के लोग, मैकडोनल्ड में चीज़ें खाते हैं, गाँव गाँव के दूर दराज इलाकों में बिजली मिले ना मिले लेकिन कोका कोला या फिर पेप्सी जरूर मिलती है, तो एक काइंड ऑफ वो कल्चर था, कॉरपोरेट कल्चर था अमरीका को, उसे भी रिजेक्ट किया हमने भी, और आप मिडिल अमेरिका ने भी मान लीजिए। तो इससे क्या हुआ, अमेरिका के लोगों ने नहीं, लोगों ने भी इवन इसको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि देखिए ग्लोबलाइजेशन से हमको फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ कॉरपोरेट अमेरिका को फायदा हो रहा है, सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज को फायदा हो रहा है। तो इसलिए अमेरिका में भी वहां पे आपको पता ही होगा ट्रंप चुन के आए, तो वहां पे भी इमिग्रेशन को लेकर प्रोटेस्ट हुए, नेशनलिज्म उभार आया वहां पे और पॉपुलिज्म काफी ज्यादा बढ़ गया इवन USA में भी। तो अब आगे बात आती है कि देखिए पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर, अब रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अब जिस प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर उभर के आ रहा है, इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को उन्होंने कहा कि ये पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड है, यानी जो वेस्ट वर्ल्ड की जो डोमिनेंस है वो खत्म हो रही है, तो इस ऑर्डर को हम कहेंगे पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड ऑर्डर। और एक प्रकार से देखिए पॉपुलिज्म मतलब लोक लुभावनवाद, जब लोक लुभावनवाद होता है यानी माइग्रेंट्स के खिलाफ में विरोध होता है तो एजिटेशन पॉलिटिक्स उदय होता है, एजिटेशन पॉलिटिक्स का उदय होता है। और ये एक इंपॉर्टेंट बात जो कह रहे हैं, ऐसे में हम इसका यूज कर सकते हैं। ये कहते हैं कि देखिए आज क्या है, सोशल मीडिया का टाइम है, 24/7 न्यूज़ चैनल्स वो चलते रहते हैं, सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ है काफ़ी जल्दी वायरल होती है, तो आज क्या है फैक्ट्स को काफ़ी तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, और इस तरह से पेश किया जाता है कि मान लीजिए एक झूठ को आप 100 बार बताएंगे कि देखिए मान लीजिए एक झूठ है, लेकिन आप उसको इतना शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इतना शेयर करेंगे कि उसमें से कुछ लोग तो उसको मानने लगेंगे कि थोड़ा तो सच है, यानी जो हमारे हिंदी में कहावत नहीं है,
अगर धुआं है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आग तो होगी। तो वैसे ही एक झूठ को इतनी बार शेयर किया जाता है आजकल, जिस प्रकार से जो आप वहाँ पे मान लीजिए ट्रंप जिस प्रकार से चुन के आए वहाँ पे ये देखने को मिला, या फिर यूके अलग हुआ यूरोपियन यूनियन से वहाँ भी देखने को मिला कि काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की गई फेसबुक पे, लेकिन वो कहते हैं कि वो सब चीज़ें झूठ थी। तो इतना शेयर किया जाता है, यानी सच को बार बार सच पे इतनी ज़्यादा उंगली उठाई जाती है कि वो सच की जो शाइन है वो कम हो जाती है। तो इस चीज़ का तो हम ऐसे में इस्तेमाल करेंगे। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये कहते हैं कि बिगेस्ट चैलेंज तो ये है कि कोई मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है ही नहीं जो स्टेबिलिटी ला सके, और धीरे धीरे जो है वो मिथ और रियलिटी के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो अनमैनेजेबल हो रहा है। एक नाटो का एग्जांपल देते हैं, ये कहते हैं कि नाटो तो कोल्ड वार की क्रिएशन था, और जबकि आज जो वेस्ट के कंट्रीज़ हैं वो यूँ कहते हैं कि नाटो जो है सेंट्रल पिलर है वेस्टर्न लिबरल ऑर्डर का। तो कहाँ से सेंट्रल पिलर हो गया लिबरल ऑर्डर का? ये तो बनाया गया था कोल्ड वार में लड़ने के लिए बनाया गया था, लिबरल ऑर्डर के लिए थोड़े ना बनाया गया था। और न्यूक्लियर जो डायमेंशन है वो भी एक प्रकार से ये कहते हैं कि देखिए कोल्ड वार में हालांकि जो न्यूक्लियर रेस लगी थी, लेकिन जो कम से कम जो कोल्ड वार था वहाँ पे कम से कम स्टेबिलिटी तो थी, सिर्फ दो ही धड़े थे वहाँ पे, एक था यूएस का धड़ा एक था यूएसएसआर का धड़ा, तो उस सिस्टम में कम से कम स्टेबिलिटी थी। आज तो बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है, आज तो अपने आप को सारे देश हीरो समझते हैं, मिडिल ईस्ट में हर कोई लड़ रहा है, आपस में लड़ाई चल रही है, साउथ चाइना सी में लड़ाई चल रही है, कम से कम ऐसा कोल्ड वार के दौरान तो नहीं देखने को मिलता था। और अभी क्या है, वार भी देख लीजिए, अब न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ में ऐसे कन्वेंशनल वेपन भी आ गए हैं, दूसरे हथियार भी ऐसे पैदा हो गए हैं जिनका जो इफेक्ट होगा वो न्यूक्लियर वेपन्स के बराबर ही होगा, यानी वो इतनी तबाही ला सकते हैं जितना कि न्यूक्लियर वेपन्स ला सकते हैं। तो इस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं। और न्यूक्लियर वेपन्स भी इवन पहले कहते थे कि न्यूक्लियर वेपन्स का आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक बार यूज़ किया तो तबाही काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कहते हैं कि देखिए आजकल वैसे न्यूक्लियर वेपन्स भी उपलब्ध हैं जिनकी जो है तबाही जिनसे काफ़ी कम होगी और लिमिटेड यूज़ उनका हो सकता है, किसी छोटी जगह पर भी उनका यूज़ हो सकता है। तो अब पहले टाइम था कि सिंगल वार हेड मिसाइल पर जोर दिया जाता था, आजकल ऐसी ऐसी मिसाइल्स देखने को मिल रही है कि एक मिसाइल से ही तीन तीन चार चार वार किए जा सकते हैं। ये देखिए तीन चार वार हो सकते हैं एक ही मिसाइल से। तो इस प्रकार के आजकल हथियार देखने को मिलते हैं, ज़्यादा फोकस आजकल मिसाइल से ज़्यादा बढ़ के आजकल एंटी यानी डिफेंसिव मिसाइल से हो गया है, यानी ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजी जो आने वाली मिसाइल्स को रोक सके, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस बढ़ गया है। इवन देखिए मान लीजिए अब बात सोचने को ये मिलती है, अब इनको यूँ लगता है कि मिसाइल तो आजकल हर कोई बना रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई दूसरा देश हमारे देश में मिसाइल दागे तो हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो मिसाइल वहीं की वहीं रुक जाए। कहते नहीं एंटी बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो हमारा देश भी अभी बना रहा है, भारत देश भी अभी उसका निर्माण अभी अभी किया है, और इससे कहते हैं कि होस्टिलिटी और भी बढ़ती है। होस्टिलिटी कैसे बढ़ती है, तो एग्जाम्पल ये देते हैं कि नॉर्थ कोरिया का, अभी यूएस ने वहाँ पे दो थार लगाया था, हमने देखा था जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो यूएस ने वहाँ पे लगाया था, तो अब यहाँ पे ये लगा रहा है, तो उससे चाइना में भी एक प्रकार से जो है चिंता की लकीर उभर के आई है। चाइना कहते हैं कि देखिए अगर आप इस तरह से डिफेंस सिस्टम लगाओगे तो हमारी डेटरेंस ही क्या रहेगी, डेटरेंस होता क्या है ये? अब डेटरेंस ये होता है कि देखिए मान लीजिए अब कोई देश है, मान लीजिए ईरान, मान लीजिए ईरान के पास में अभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, ईरान और जो इसराइल की काफ़ी दुश्मनी है, लेकिन ईरान इसराइल पर अटैक क्यों नहीं करता? क्योंकि ईरान को पता है अगर हमने इसराइल पर अटैक किया तो इसराइल के पास में इतने हथियार मौजूद हैं, इवन न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, कि इसराइल जब दूसरी बार वार करेगा यानी बदले में जो वार करेगा वो इतना घातक होगा कि ईरान को उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो ये क्या होती है, तो ये इसको कह सकते हैं हम इसराइल की डेटरेंस है ये, कि लोगों को डर लगता है, बाकी देशों को डर लगता है कि इसराइल से, कि इसराइल के पास में इतने हथियार हैं अगर हमने इसराइल पे हमला करने की कोशिश करी तो इसराइल बदले में एक प्रकार से घातक वार करेगा जिससे हमको ज़्यादा नुकसान होगा। तो अब जिस प्रकार से यूएस जो है वो एक प्रकार से अपने जो डिफेंस सिस्टम लगा रहा है तो उससे चाइना की जो डेटरेंस है वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए अब इस प्रकार से डिफेंसिव सिस्टम लग जाएंगे साउथ कोरिया पे जापान पे तो चाइना की पावर रहेगी क्या? चाइना तो यूँ सोचेगा कि देखिए हमारी मिसाइल तो वहाँ पे जा ही नहीं पाएगी तो हमारा तो डर ही खत्म हो जाएगा। तो इससे तो और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आती है इस पूरे रीजन के अंदर में, वर्ल्ड के अंदर में। तो ये कहने का मतलब यही है कि देखिए ये डेटरेंस स्टेबिलिटी की बात करते हैं और कहते हैं कि डेटरेंस जो है वो बरकरार रहनी चाहिए जो मेन मेन पावर है उनकी, और क्राइसिस स्टेबिलिटी का भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। और बात ये नहीं है जिस प्रकार से चाइना ने हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको मना कर दिया और कहा कि इंडिया को नहीं जरूरत जैसे एनएसजी पावर को, तो इन्होंने कहा कि देखिए बात ये नहीं है कि एनएसजी के लिए प्रोसीजर क्या होना चाहिए, बात यह है कि प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी तो यही है ना कि हमारे पास में अभी न्यूक्लियर वेपन्स हैं
और एनपीटी थी किस लिए? एनपीटी सिर्फ उन देशों के लिए थी जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स थे उस टाइम पे, तो हमारे पास भी हैं। तो लोगों को, मतलब देशों को, अभी ग्राउंड रियलिटीज को समझना होगा और उसी के हिसाब से स्टेबिलिटी मैकेनिज्म बनाना होगा। अब बात यही कहते हैं लास्ट में वे फॉरवर्ड में कि एक प्रकार से 1962 में जब न्यूक्लियर वेपन्स आ गए थे, जब क्यूबन क्राइसिस हुए थे, जब एक प्रकार से वर जा गया था, तब एक प्रकार से ऐसा कहते हैं कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में ऐसा होने वाला था कि लड़ाई होने ही वाली थी यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, तब यूएसएसआर और यूएसए को समझ में आ गया था कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अलग हैं, मतलब वार नहीं हो सकता, अगर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज होगा तो पूरा वर्ल्ड तबाही हो जाएगा। तो अब क्या है, अब उसी तरह की एक स्टेबिलिटी की जरूरत है, उसी तरह के एक स्टेबिलिटी मैकेनिज्म की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है फिलहाल, ना तो इसमें कोई एक सिंगल सुपर पावर रहेगा, सिंगल हेजमोन रहेगा, या फिर प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स रहेंगे कि अगर कोई विवाद होता है तो उसको किस प्रकार से सुलझाया जाए। तो कहने का मतलब बार बार यही है कि एक प्रकार से स्टेबिलिटी मैकेनिज्म की आवश्यकता है। फिर लास्ट में एक अच्छी लाइन ये बोलते हैं कि इंडिया और जो जापान है उसमें काफ़ी तरह की कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है, तो इन दोनों देशों को मिलकर एक शुरुआत करनी चाहिए कि कुछ ऐसा इनिशिएटिव ये मिलकर ला सकें कि एक 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 प्रकार से ये कुछ ऐसा स्टेबिलिटी मैकेनिज्म इस्टेब्लिश कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल था, बहुत लंबा ये आर्टिकल था, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हमने इस आर्टिकल पर लगाए क्योंकि एक बहुत अच्छा आर्टिकल ये था, इस पर क्वेश्चन बनता है, ऐसे में भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल कुछ नहीं है, छोटा सा आर्टिकल है और बिल्कुल आसान ये आर्टिकल है। ये कहते हैं कि देखिए, एक सेक्सुअल विक्टम थी, वुमन थी, जिनकी एज तो थी देखिए 40 साल, बायोलॉजिकल एज यानी बॉडी तो थी उनकी 40 साल पुरानी जन्म के बाद में, लेकिन उनकी जो दिमागी एज थी वो 6 साल की थी, यानी जो वो वुमन थी वो थी एक प्रकार से दिमाग से, जो उनका वो दिमाग से बच्ची थी, और वैसे बायोलॉजिकल एज यानी उनको पैदा हुए 40 साल हो चुके थे। तो अब केस ये आता है कि उनका सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन हुआ, तो अब ये जो कानून है, क्या जो ये वुमन सेक्सुअल विक्टम है इनको प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट ऑफ 2012, जो ये बच्चों के लिए जो कानून है, क्या इसके तहत तो उस वुमन को न्याय मिले? तो इस पर एक विवाद था, तो अब इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो इसलिए दो तीन बातें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो अब कहते हैं कि जो ये वुमन थी दिमाग से जो बच्ची थी, वैसे उनकी उम्र 40 साल थी, तो ये सेलिब्रल पालसी से पीड़ित थी। ये क्या होता है? ये होता है कि बस दिमाग रुक जाता है, जो शरीर है वो तो हमारा आगे बढ़ता रहता है लेकिन जो दिमाग की ग्रोथ है वो रुक जाती है, तो इस बीमारी को कहते हैं सेरेब्रल पालसी। और अब ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गया क्योंकि जो पोक्सा है यानी बच्चों के लिए जो एक्ट आया था उनकी सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन के रोकने के लिए, उसमें तो जब ये पार्लियामेंट ने इसको बनाया था तब उन्होंने इस तरह की सिचुएशन को सोचा ही नहीं था कि इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है कि क्या कोई जिसकी दिमागी जो एज है वो कम हो, वो बच्चों की तरह हो, लेकिन जो बायोलॉजिकल एज है वो ज़्यादा हो। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस है और सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसाइड कर रहा है। तो एक प्रेसिडेंट यानी एक उदाहरण हम ले सकते हैं साउथ अफ्रीका के केस से, साउथ अफ्रीका में भी सिमिलर केस था, डैनियल जोन्स, ये याद मत रखिएगा, मतलब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो उसमें भी हाई कोर्ट ने माना था कि वहाँ पे कि जो केस चलाया जाएगा वो विक्टम की यानी जो सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन की विक्टम है साउथ अफ्रीका में, उनकी दिमागी एज से चलाया जाएगा। बाद में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको हाँ भर दिया था। तो हमारे यहाँ पे भी इस प्रकार से डिसीजन आना चाहिए। और वकील कहते हैं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट को दोनों कंसीडर करनी चाहिए, वही एक नेचुरल जस्टिस होगा कि बायोलॉजिकल एज भी देखें और मेंटल एज भी देखें, दिमागी उम्र कितनी है, और कुछ नहीं है। अब जो अगला आर्टिकल है ये एक श्रीलंका का आर्टिकल है, श्रीलंका का। अब आप कल हमने एक पूरा डिस्कस किया था कि जो फिशिंग का इशू है उसमें, तो देखिए वो सारे नरेटिव हमने वैसे पढ़े थे कल के आर्टिकल में कि श्रीलंका को फायरिंग नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार के हमने नरेटिव पढ़े थे। यह जो आर्टिकल है एक डिफरेंट नरेटिव पेश करता है। ये कहते हैं कि देखिए, हमारा देश यानी भारत में कई तरह के आरोप लगते हैं कि जो बांग्लादेश के स्मगलर है वो जो गाय वगैरह की स्मगलिंग करते हैं, कैटल की जो स्मगलिंग करते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं बीएसएफ वाले, इस तरह के काफ़ी बार आरोप लगते हैं हम पे। तो अब जब श्रीलंका नेवी द्वारा फायरिंग की गई है भारतीय मछुआरों द्वारा, तो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो क्यों शोर मचा रही है? इस प्रकार का ये आर्टिकल है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं श्रीलंका के व्यू पॉइंट को प्रोपगेट करता है ये जो आर्टिकल लिखा गया है। ये कहते हैं कि देखिए, पूरा डेटा मौजूद है श्रीलंका की नेवी के पास में, हर महीने
के स्टार्टिंग में ये डेटा भेजा जाता है कई कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे डायरेक्टर नेवल ऑपरेशंस, हाई कमीशन को भेजा जाता है, कई कई जगह पे ये डेटा भेजा जाता है। किस तरह का वो डेटा भेजा जाता है, उस रिपोर्ट में सभी तरह का डेटा मौजूद होता है कि कितनी भारत की जो बोट्स हैं श्रीलंक वहाँ पे तमिलनाडु से जो बोट्स हैं वो जाके श्रीलंका की पानी में ट्रैवलर्स का यूज करके वहाँ पे मछलियाँ पकड़ रही हैं और कौन कौन सी लोकेशन पे पकड़ रही हैं, वो सारी जो रिपोर्ट में वो डेटा है वो भेजा जाता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि 6 फरवरी के डेटा में सारी चीज़ें सामने आई कि 50 ट्रॉलर्स थे उस टाइम पर श्रीलंका ने डिटेक्ट किए, कई बार तो ये 100 की संख्या में होते हैं। और 19 फरवरी 2011 की रिपोर्ट में ये आया था कि 700 ट्रॉलर्स जो हैं श्रीलंका के पानी में हैं वो मछली पकड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब सारी जो डिटेल्स हैं वो हैं श्रीलंका के पास जो हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो भटक जाते हैं। ये कहते हैं कि भटक कोई भी नहीं सकता क्योंकि सबके पास में आजकल मोबाइल है, सभी मोबाइल्स में जीपीएस हैं और सबको पता है कि एक पाल्क स्ट्रेट यहाँ पे पार करने में सिर्फ, यहाँ पे देखिए ये पार करने में सिर्फ 3 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे कैसे कोई भटक जाता है, भटकता कोई नहीं है, जानबूझ के जो हैं भारतीय मछुआरे जाते हैं वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने। और बाद में कहते हैं कि अभी वहाँ पे श्रीलंका के जो मछुआरे हैं सिविल वार खत्म होने के बाद में वो भी मछली पकड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जानबूझ के जाते हैं, 1076 की जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे उनको सब पता है कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए फिर भी जाते हैं। तो वे फॉरवर्ड में ये कहते हैं कि देखिए इस साल पिछले 3 महीनों की बात करें तो 14 बोट पकड़ी गई श्रीलंका नेवी के द्वारा, 85 फिशरमैन पकड़े गए। और ये बिल्कुल सही है कि थोड़े टाइम के बाद में वो मछुआरे छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन वो बोट नहीं छोड़ेंगे। बोट क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो फिर से अगर बोट छोड़ दी तो वो मछुआरे फिर से आएंगे श्रीलंका के वाटर में, फिर से वो मछली पकड़ेंगे, फिर से उनके रिसोर्सेज थे वो श्रीलंका के आसपास वो ख़त्म हो जाएंगे। तो लास्ट में एक एग्जांपल ये कहते हैं कि देखिए भारत ने पाकिस्तान के साथ में भी फेंसिंग बनाई हुई है और बांग्लादेश के साथ में भी फेंसिंग बनाई हुई है, तो भारत क्यों नहीं फेंसिंग बनाता, एक प्रकार से वाटर फेंसिंग बनाता अपने नीचे के छोटे देश श्रीलंका के साथ में। तो यही पूरा आर्टिकल है, एक प्रकार से श्रीलंका का जो व्यू पॉइंट है वो प्रोपगेट करता है। अगला जो आर्टिकल है वो इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये आर्टिकल है, ये लर्निंग आउटकम के बारे में है। ये तो बिल्कुल आसान सा आर्टिकल है। ये कहते हैं कि देखिए जो अब है लर्निंग आउटकम पे फोकस करना चाहिए, सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया। तो ये कहते हैं कि लर्निंग आउटकम पे फोकस करते वक्त हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत में जो हमने इनरोलमेंट के लिए ऑपरेशन चलाए हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं चलते जाने चाहिए, क्योंकि लर्निंग आउटकम जो है वो तो सभी बच्चों की अलग अलग होती है, काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लर्निंग आउटकम मतलब बच्चा सीखा कितना है, अब ये तो उस बात पर भी डिपेंड करेगा कि उस बच्चों के पेरेंट्स हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं या फिर उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं घर में, तो वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं इस बात पे फोकस तो होना ही चाहिए, क्योंकि लर्निंग आउटकम पे फोकस होगा तो इससे क्या होगा, इससे एक प्रकार से इसके लिए जो स्कूल्स हैं उसको एक प्रकार से टेलर मेड अप्रोच अपनानी पड़ेगी, सभी बच्चों के लिए अलग अलग से लोकली लेवल पे देखना पड़ेगा कि कितना उनको सीखना बाकी है, अभी क्या उनको आता है। तो इसी के हिसाब से जो लर्निंग आउटकम बढ़ेगी तो शिक्षा का स्तर है हमारे देश में वो बढ़ जाएगा। जिस प्रकार से रह रह के रिपोर्ट्स आती हैं कि प्रथम की 5वीं क्लास का बच्चा है वो दूसरी क्लास की बुक नहीं पढ़ सकता, तो वो रिपोर्ट्स आनी बंद हो जाएंगे, यानी उन रिपोर्ट्स में सुधार देखने को मिलेगा। इसलिए जो लर्निंग आउटकम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।